एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय परिसरों में स्वतंत्र चिंतन की वकालत करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को कहा कि असहिष्णु भारतीयों के लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पुराने समय से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच और भाषण का पक्षधार रहा है। छात्रों को अशांति और हिंसा के भंवर में फंसा देखना दुखद है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र और नैनीताल शहर के लिए जल स्रोत नैनी झील तेजी से सूख रही है। झील जिस तेजी से सूख रही है उसे देखते हुए लोग शहर के भविष्य और उसके अस्तित्व को लेकर बहुत परेशान हैं। केंद्र सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वाले लोगों के प्रति दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे 10 से ज़्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं या अध्ययन अथवा शोध करने वाले के पास 25 से अधिक नोट पाए जाते हैं तो उसे अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये या जितने नोट मिलते हैं उसका 5 गुना जो भी अधिक हो उतना जुर्माना लगाया जाएगा। भारत ने स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल में कम ऊंचाई पर आ रही किसी भी बैलिस्टिक शत्रु मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता एक्ट्रेस जयाप्रदा ने कहा है कि यदि उन्हें सम्मानजनक न्योता मिलता है तो वह किसी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की तारीफ की है। एक महिला ने बीते दिनों ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका स्टोल मांग लिया, लेकिन उम्मीद के उलट उस महिला की मांग पूरी कर दी गई और उसके घर पर कुछ ही घंटे बाद उक्त स्टोल पहुंच गया। कैंसस सिटी में एक पूर्व नौसैनिक के नस्ली हमले में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की पत्नी ने अमेरिका सरकार से सवाल किया है कि वे अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए क्या करेगी। व्हाइट हाउस ने अमेरिका के एक पूर्व नौसैनिक कर्मी द्वारा कैंसस शहर में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या किए जाने की निंदा करते हुए इस घटना को नस्लवाद से प्रेरित बताया है। जैसे कि और तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कैंसस में पिछले सप्ताह की गई गोलाबारी नस्लवाद से प्रेरित घृणा की घटना है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने वर्ष 2016 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान रूसी अधिकारियों के साथ अपने कथित संबंधों की किसी भी जांच से खुद को अलग कर दिया है। बहरहाल, सेशंस ने ट्रंप की इच्छा के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन के ऊपरी सदन के ब्रेक्सिट पर एक विधेयक में संशोधन के पक्ष में मतदान करने के बाद देश की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर पहली संसदीय हार का सामना करना पड़ा है। इससे ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री को बातचीत शुरू करने का अधिकार देने वाले इस विधेयक में देरी हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया आवर्जन आदेश इराक को उन देशों की सूची से हटा देगा जिनके नागरिक अस्थायी तौर पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। 90 वर्षीय ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिटेन भारत संस्कृति उत्सव 2017 के शुभारंभ के अवसर पर सोमवार शाम एक विशेष समारोह का आयोजन किया। समारोह में अरिनोमा के एक अनूठे नृत्य एकम के लिए कोरियोग्राफी की थी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की शीर्ष राजनयिक मिलहा लोधी ने ऑस्कर जीतने वाले मुस्लिम अभिनेता महर्षला अली को मुबारकबाद देने वाला अपना ट्वीट हटा लिया। रियान मर्फी अपने चौथे सीजन अमेरिकन क्राइम स्टोरी की कहानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की प्रकरण पर केंद्रित कर रहे हैं। चीन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझने के लिए जमीन की अदला बदली का फार्मूला अपनाया जा सकता है। चीन ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत उसे अरुणाचल का त्वांग वाला हिस्सा लौटा दे तो वह अक्साई चीन पर अपना कब्जा छोड़ सकता है। जापान की कार कंपनी होंडा ने अपने बहुउद्देश्य वाहन MPV मोबिलियो की भारतीय बाजार में बिक्री बंद कर दी है। कंपनी ने कमजोर मांग की वजह से एक कदम उठाया है। फिल्म निर्माता प्रकाश झा की आगामी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में बाधा आ गई है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया है। इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और रत्ना पाठक शाह ने भूमिका निभाई है।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बिना भेदभाव के आतंकवाद का सफाया करने का संकल्प लिया है और कहा है कि तय लक्ष्यों को हासिल करने तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने होली पर मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में लगभग 37% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मजदूरों को अभी जहां 9724 रुपये प्रति माह मजदूरी मिलती है, वहीं अब 13,350 रुपये प्रति माह हो जाएगी। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार महेश भट्ट ने गुरुवार को बताया कि उनसे एक अज्ञात शख्स ने टेलीफोन पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और ऐसा न करने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को लखनऊ में हिरासत में ले लिया है और आरोपी से खुद को बल्लू श्रीवास्तव गैंग का बताया है। ईस्ट इज ईस्ट, गांधी सिटी ऑफ जॉय और वुल्फ जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय भारतीय अभिनेता ओम पुरी को 99वें अकादमी पुरस्कार समारोह में इन मेमोरियम में याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय हास्य लेखक और नाटककार तारक मेहता का निधन हो गया है। वह 87 साल के थे। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनके कालम दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर ही आधारित है। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन से समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आके दीजिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।